तृतीयः पाठः कोवरुक कौन निरोगी छे। विद्यार्थी मित्रों, आजे आपणे शारीरिक स्वास्थ्यनुं महत्व दर्शावती वार्ता कोवरुक कौन निरोगी छे नुं पठन ने श्रवण करीशुं। आ वार्ता आपणने खावा पीवानी टेवो अंगे सभान करी शारीरिक स्वास्थ्यनुं महत्व समझावे छे। एकः पक्षी अस्ति सः आकाशे अत्र तत्र गच्छति। सः पुनः पुनः वदति को अरुक कः निरोगः भवति। एक पक्षी छे, ते आकाशमां अहीं तहीं जाय छे, ते फरी फरीने बोले छे कोण निरोगी छे, कोण रोगरहित रही शके छे। पक्षी द्वारं द्वारं अटती एकम एव प्रश्नं पृच्छति। जनाः उपहासं कुर्वन्ति, कः अपि उत्तरं न ददाति। पक्षी निराशः भवति। पक्षी द्वारे द्वारे भटके छे, एक ज प्रश्न पूछे छे, लोको तेनी मजाक उड़ावे छे, कोई जवाब आपतु नथी। पक्षी निराश थाय छे। सह वनम गच्छति वृक्षे उपविशति च। वृक्षस्य अधः वैद्यर्षि वाग्भटः अस्ति। पक्षी पुनः वदति को अरुक इति। वाग्भटः शृणोति। ते जंगलमां जाय छे अने वृक्ष पर बेसे छे। वृक्षनी नीचे वैद्य ऋषि वाग्भट छे। पक्षी फरीथी बोले छे कोण निरोगी छे, कोण निरोगी छे। ते वाग्भट सांभळे छे। सह वदति हितभुक मितभुक ऋतभुक इति। अर्थः अस्ति यः हितकारी भोजनं करोति, यः मितं भोजनं करोति, यः ऋतु अनुसारं भोजनं करोति, सः एव निरोगः भवति इति। ते कहे छे हितकारी भोजन करनार, अल्प प्रमाणमां भोजन करनार, ऋतु अनुसार भोजन करनार। अर्थ छे जे हितकारी भोजन करे छे, जे अल्प प्रमाणमां भोजन करे छे, जे ऋतु अनुसार भोजन करे छे, ते निरोगी रहे छे। संतुष्टः पक्षी ऋषि समीपम आगच्छति। सः ऋषिं नमति। अनन्तरं स्वस्थानं गच्छति। संतोष पामेलू पक्षी ऋषिनी पासे आवे छे। ते ऋषिने वंदन करे छे। पछी ते पोताना स्थाने जाय छे।